सो गाइज गुड मॉर्निंग, दिस इज अमनसा, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं वो वाली वीडियो लेकर के आ गया था जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। भाई बहुत सारे कमेंट आए इस वीडियो के लिए कि बजट वीडियो बनाओ। तो लो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बजट वीडियो लेकर के, लद्दाख का बजट वीडियो। मैं जब कैलकुलेशन कर रहा था ना बजट का, तो मेरे को इतना अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिला ना कि मज़ा ही आ गया यार। सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कितना मेरा खर्चा पड़ा, कितना पेट्रोल का एक्सपेंस हुआ, कितना रहने का एक्सपेंस हुआ, कितना खाने का एक्सपेंस हुआ, क्या क्या मैं फिजूल खर्चे किए जो कि नहीं करता तो मेरे पास बहुत सारे पैसे बच जाते, किस तरीके से कम पैसों में मैं ऐस करके आया हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले मैंने जो दो ट्रिप करे थे ना, लॉन्ग ट्रिप अपनी बाइक पर नेपाल का और सिक्किम का, तो उसका मैं बजट वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरे को बजट में उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था यार कि जाओ बस घूमो मौज करो। मतलब मैं इस तरह का आदमी हूँ कि जाओ भाई जितने खर्चे होने हैं क्या है, खुद के ऊपर ही ना खर्चे कर रहे, तो इसके लिए क्या कैलकुलेशन करना, कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ, कमा रहे खुद के लिए खर्चा खुद पे करना है तो क्या बजट उतना कैलकुलेशन करना है। तो इसीलिए मैं लास्ट ट्रिप का बजट कैलकुलेशन नहीं किया था, बट इस बार आप लोग इतना रिक्वेस्ट किए तो मैं पहले से ही सोच के रखा था कि बजट का कैलकुलेशन पक्का से करूंगा। घर से कैश लेकर के निकला ही नहीं, अब जितने भी ट्रांजैक्शन मैंने करे सारे ऑनलाइन करे, कार्ड से करे। अभी मैंने फ्यूल भरा ना बाइक में, सारे मैंने क्रेडिट कार्ड से भरे, तो मेरा पास पूरा ना लेखा जोखा है, पूरा हिस्ट्री है, तो मैं डॉट टू डॉट करेक्ट टू करेक्ट बजट निकाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ना कि मेरे को टोटल कितने दिन लगे लद्दाख जा करके मौज करके रिटर्न घर आने में। तो मैं यहाँ से ना 15 तारीख को राइड स्टार्ट करा था और वापस मैं यहाँ पे 3 तारीख को आ गया था, तो 15 से लेकर के 30 मतलब 15-16 दिन इधर और 3 मतलब वही समझ लो ना 17-18-19 दिन, या ये समझ लो ना 20 दिन एनफ है भाई। तो ये जो 20 दिन था ना, ये 20 दिन मैं घर के बाहर रहा, यानी कि रात को मेरे को एक होटल लेना पड़ता था। होटल मैं ऑनलाइन साइट से बिल्कुल भी बुक नहीं करता था, बाइक लेकर के सुबह सुबह निकलता था राइड करने के लिए, इंजॉय करता था, नेचर देखता था, फोटो वोटो उठाता था मस्त, मतलब जितना मैं चला सकता था। कभी मैं 50 किलोमीटर चलाता था, किसी दिन 200 चलाता था, किसी किसी दिन 600 किलोमीटर चला लेता था। मैक्सिमम मैं ट्राई किया कि होम स्टे में रुकने का, क्योंकि होम स्टे में रात को क्या है ना कि आपको रुकने भी दे देंगे, रात को डिनर भी दे देंगे और सुबह में ब्रेकफास्ट भी दे देंगे, और उनका ना कोई एक पैकेज आता है 800 का, 900 का, 1000 का, 1200 का, तो ऐसा ना पैकेज होता है उनका कि आप रात को रुक लो, रात को खाना खा लो, सुबह में चाय वगैरह पी लो, ब्रेकफास्ट कर लो और निकल जाओ। जो मनाली से लेह वाला रूट है ना, वहाँ पे शायद मैंने 2 दिन टेंट में भी स्टे किया था, 2 या 3 स्टे मैंने टेंट में किया था, पैंगोंग में मैंने टेंट में स्टे किया था। तो टेंट में स्टे करने का भी कहीं पे कम खर्चा आता है, कहीं ज़्यादा आता है। जैसे पैंगोंग में अगर आप टेंट में स्टे करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, 1000-1500 के नीचे वहाँ कोई टेंट नहीं है। बट जब आप रस्ते में टेंट में स्टे करते हो ना, लाइक मनाली से जब लेह में जाते हो तो पांग आता है, सरचू आता है, इन सब जगहों पे ना टेंट का रेंट कम है। और यहाँ पे ना मेरे बगल में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ठुक ठाक इस तरह से आवाज आते ही रहेगा, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। बट भाई एक दिक्कत वाली बात है कि मेरे को ना एग्जैक्ट नहीं पता कि मैंने टोटल होटल में कितना एक्सपेंस किया, यानी कि मेरे को ना एग्जैक्ट पता नहीं कि मैंने कितने होटल लिए और होटल में मेरा कितना खर्चा आया, क्योंकि होटल के साथ खाना भी इंक्लूड रहता था। खाने का कितना लिया, होटल का कितना लिया, ये तो वो लोग अलग अलग नहीं बताए ना, वो लोग तो पैकेज करके दिए ना मेरे को, तो मेरे को ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहा हूँ मैं कि होटल में मेरा कितना खर्चा हुआ। पूरे ट्रिप में ना मैंने 2 कार्ड का यूज किया, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड से ना मैं फ्यूल भरा करता था और डेबिट कार्ड से ना मैं पैसे निकाल लिया करता था एटीएम से, और जहाँ पे फोन पे वगैरह होता था वहाँ फोन पे कर देता था। तो मेरा डेबिट कार्ड का बिल है ना वो कितने का आया पता है आप लोगों को, मैं बताता हूँ आपको, वो मेरा आया है 16,300 रुपीज़ का, यानी कि मैंने पूरा ट्रिप 16,300 रुपये में कंप्लीट कर लिया। यू समझ लो ना, मैंने जो मेडिसिन लिया वो भी इसी पैसों में लिया, इनर लाइन परमिट के लिए मेरे को 600 रुपये पे करने पड़े थे तो वो भी इसी में इंक्लूड है, कोलगेट से लेकर के ब्रश से लेकर के एवरीथिंग सब कुछ 16,300 रुपये में खत्म। लेह में बाइक का इंजन ऑयल चेंज किया था जिसमें मेरे को 500 या 700 रुपये लगे थे, वो भी 16,300 में इंक्लूड है। लखनऊ में मैं बाइक का प्रॉपर सर्विसिंग कराया था सर्विस सेंटर से, तो वहाँ पे भी मेरा कुछ 900 या 1000 रुपए का बिल बना था, वो भी इसी में इंक्लूड है। मतलब समझ लो यार कितने सस्ते में मैं लद्दाख का ट्रिप निपट करके आया हूं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं घूमने गया था तो किसी भी चीज का कमी रखा कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, वो सस्ता मिल रहा है तो वो खा लूंगा, मतलब दिल्ली में ये फेमस है तो ये खाएंगे वैसा मैं दिल्ली में खाया, मनाली में भाई ये फेमस है तो ये खाना है तो वो खाया, मतलब जहां पे जो सबसे अच्छा चीज खाने पीने में हो सकता था ना मैंने वैसा खाया पिया। जब से पहाड़ी रास्ता आपका शुरू होगा तो समझ लो आपको एक ब्रेकफास्ट करने के लिए भी 80-90 या 100
₹100 तक खर्चने पड़ेंगे और आपको लंच करने में वही 200-250 तक का आपका लंच हो जाएगा। अब आ जाते हैं ना मेन चीज पे, जो कि बाइक का एक्सपेंस है, मतलब पेट्रोल का मेरा एक्सपेंस कितना है वो बता देता हूँ। तो जब मैं यहाँ कोलकाता से निकल रहा था ना, तो मेरे बाइक का जो ऑडोमीटर था ना वो था 11,720 किलोमीटर। बाइक को लेकर के जब मैं रिटर्न कोलकाता में आकर के पहुंचा ना, तब मेरे बाइक का ऑडोमीटर था कुछ 15,770 के आसपास, यानी कि मेरी बाइक जो टोटल चली है वो 4,050 किलोमीटर चली है। और यहाँ से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर मनाली, मनाली से लेकर लेह, लेह से लेकर के नुब्रा, नुब्रा से लेकर के वो लास्ट विलेज ऑफ इंडिया थांग, थांग से लेकर के पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक से लेकर के लेह, लेह से लेकर के करगिल होते हुए जम्मू तक का जो डिस्टेंस पूरा कवर मैंने अपने बाइक पे किया वो 4,050 किलोमीटर में हो गया। ट्रेन से मेरे को जम्मू से कोलकाता तक बाइक को लाने में टोटल ₹6,000 लगे, एक्चुअली ₹5,000 बाइक के लगे और ₹1,000 मेरे लगे। स्लीपर में मैं आराम से सो करके वहां से यहां तक लगभग 2 दिनों में आ गया। अगर मैं वहां से बाइक को यहां तक चला करके लाता ना, तो डिस्टेंस मेरा पड़ता 2,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर मतलब वही 3,500 तक का मेरा फ्यूल लग जाता और रहने का, खाने का, पीने का लेकर के 6,000 लग ही जाता। मैंने सोचा था 10,000 तक का तो तेल पक्का लग जानी है, बट 10,000 तक का तेल मेरा लगा नहीं भाई। मेरा जो तेल लगा वो ₹6,270 का लगा, यानी कि ₹6,270 में मैंने पूरा लद्दाख का ट्रिप कर लिया। यानी कि ₹6,270 में मेरी बाइक ने कवर किए 4,050 किलोमीटर। आप कैलकुलेट करके देखो ना, तो 65 से 70 तक का माइलेज निकाल करके दी है भाई मेरी बाइक ने। मतलब मेरे को खुद भी बिलीव नहीं हो रहा यार, इतना ज्यादा कैसे माइलेज निकाल करके दे सकती है, बट भाई दी है, मैं क्या कर सकता हूँ यार। तो इस तरीके से भाई अगर जो पूरा कैलकुलेट कर ले, तो उधर पे मेरे को पड़ा था ₹16,300 और पेट्रोल का एक्सपेंस आया 6,270, इसको 6,300 ही पकड़ लेते हैं, तो ₹22,600, यानी कि ₹22,600 में मैं पूरा ट्रिप करके घर वापस आ गया सही सलामत। एक दिन का ₹1,000 पकड़ के चलते हो ना, तो मोड़ देने नफे, मतलब एकदम आराम से हो जाएगा आपका। इतनी सारी चीजें लद्दाख ट्रिप में हुई ना, सब कुछ तो मतलब एक वीडियो में बना पाना पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे करके सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे मोटो व्लॉग्स में, डेली व्लॉग्स में। तो जितना छोटा से छोटा वीडियो हो सकता था, इन्फॉर्मेटिव हो सकता था, मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। लद्दाख का सीरीज आप लोगों को पसंद आया तो भाई मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। मेरा ना आसाम का प्लान बन रहा है, देखते हैं आसाम कब निकलते हैं। आसाम का राइड में भी खूब तबाही मचाएंगे। बाकी भाई देख सकते हो यहाँ पे मैंने ना स्नोफॉल का आनंद उठाया था, तो स्नोफॉल का भी मेरे को उधर पे मिल गया था, तो और मजा आ गया। मतलब इसके पहले मैंने कभी स्नोफॉल एक्सपीरियंस नहीं किया था लाइफ में, यहाँ पे मैंने पहली बार जाकर के स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया। पूरा बॉडी में ना इधर उधर पूरा स्नो लगा हुआ था, मजा आ गया भाई। तो चलो इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राइट सेफ राइट हार्ट, एंजॉय योर डे, बाय।